क्वेश्चन इज लेट एसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विद एसी एज इट्स हाइपोटेनियस, देन प्रूव दैट एसी क्यूब इज ग्रेटर देन एबी क्यूब प्लस बीसी क्यूब। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करने में हेल्प करेगा। पहला स्टेटमेंट ये है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एज वी नो वेरी वेल कि हाइपोटेनियस इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट साइड, और अगर हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है मींस एसी इज ग्रेटर देन एबी। एक तो ये कंडीशन है जो हमें हेल्प करेगा स्टेटमेंट को प्रूव करने में, और दूसरा कंडीशन ये है कि जो एसी है इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन बीसी के। तो पहले तो ये वो दो स्टेटमेंट है जो आपको यूज में आने जा रहे हैं, और एक लास्ट स्टेटमेंट जो आपको यूज में आएगा वो ये है जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम है, विच इज योर एसी स्क्वायर, दैट इज एसी स्क्वायर इज योर एबी स्क्वायर, एसी स्क्वायर इज योर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। इस एक्सप्रेशन को फर्दर प्रूव करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं ये जो इक्वेशन है इसको मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन लेट कर लेता हूँ। एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इक्वेशन नंबर वन में बोथ साइड एसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बोथ साइड एसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा एसी क्यूब, और ये टर्म आपको मिलेगा एबी स्क्वायर डॉट एसी, और अगला टर्म आपको मिलेगा बीसी स्क्वायर डॉट एसी के। आप चाहें तो अगेन इसे स्टिल इक्वेशन नंबर वन ही लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करें। ये जो स्टेटमेंट आपके पास है विच इज एसी ग्रेटर देन एबी, हम लोग इसको यूज करना शुरू करेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वी नो इट वेरी वेल दैट एसी इज ग्रेटर देन एबी। अगर एसी एबी से ज्यादा है, अभी हम लोग क्या करें इस पूरे एक्सप्रेशन में एबी स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं इसको एबी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा एबी स्क्वायर डॉट एसी, एंड दिस इज ग्रेटर देन एबी क्यूब। लेट दिस इज अ इक्वेशन नंबर टू। अब ये वाला स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है कि एसी इज ग्रेटर देन बीसी। अगर एसी बीसी से ज्यादा है तो अभी हम लोग इसमें बोथ साइड बीसी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन केस अगर मैं इसे बीसी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा एसी इंटू बीसी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बीसी क्यूब। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इक्वेशन नंबर टू को और इक्वेशन नंबर थ्री को ऐड कर देते हैं। इन केस अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा एबी स्क्वायर डॉट एसी प्लस एसी डॉट बीसी स्क्वायर, और दिस इज ग्रेटर देन एबी क्यूब प्लस बीसी क्यूब के। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली इक्वल है एसी क्यूब के वाइल यूजिंग द इक्वेशन नंबर वन। तो अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को एसी क्यूब से रिप्लेस कर दूं तो फाइनली लेफ्ट साइड में आपको मिल रहा है एसी क्यूब, एंड दिस इज ग्रेटर देन एबी क्यूब प्लस बीसी क्यूब के। सो दिस इज अ स्टेटमेंट विच वी हैव टू प्रूव इन द गिवन क्वेश्चन।